हेलो गाइज, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से नए एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने वाले हैं जो पेज के कलर्स यानी बैकग्राउंड कलर से रिलेटेड है। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट में जाकर के टाइप करते हैं WINWORD। विन वर्ड टाइप करके जैसे इंटर करते हैं दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस आपके स्क्रीन पे खुलेगा। यहां से आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके और एक सादा पेज ले लेना है। अब दोस्तों पेज कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। यहाँ से हम प्लस करके और पेज को 100% पे कर लेते हैं। ये दोस्तों आपका मेन पेज दिख रहा है जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। अब दोस्तों इस पेज को अगर आप कलर करना चाहते हैं तो पेज कलर करने के लिए आपको डिज़ाइन ऑप्शन यूज़ करने पड़ेंगे। दोस्तों डिज़ाइन ऑप्शन में जाते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जहाँ से आपको यहाँ से पेज कलर ऑप्शन से दिखाई देंगे। अब दोस्तों पेज कलर ऑप्शन में जाने के बाद ये आपके थीम्स कलर्स दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे भी थीम्स कलर पर हम क्लिक करेंगे वैसा थीम्स कलर आपका बन करके यहाँ से पेज में दिखेगा। अब दोस्तों जो कलर आप लेना चाहते हैं यहाँ से कलर को ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर ये कलर आपको पसंद नहीं है तो आप कलर और भी चेंज कर सकते हैं। इसके लिए मोर कलर में जाने के बाद आप कलर्स को यहाँ से खुद से जनरेट कर सकते हैं। आपको जैसा भी कलर पसंद है उस कलर से यहाँ से डिज़ाइन करेंगे और ओके करेंगे, वही कलर आपके पेज में यहाँ से डिज़ाइन हो जाएंगे। अगर दोस्तों सिंगल कलर आपको पसंद नहीं है, कलर मिक्सअप चाहिए, इसके लिए आपको फिल इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करने पड़ेंगे। अब फिल इफेक्ट में क्लिक करने के बाद एक ग्रेडियंट आता है, एक टेक्स्चर आता है, एक पैटर्न आता है और एक पिक्चर आता है। ये चार डिज़ाइन आपको यहाँ को देखने को मिल जाएंगे, जिसमें ग्रेडियंट पे अगर क्लिक करते हैं तो वन कलर, यहाँ से टू कलर और प्रीसेट कलर, तो यहाँ से कुछ ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। अब दोस्तों यहाँ से अगर वन कलर लेते हैं तो ये सिंगल कलर्स रहेंगे, आपको नॉर्मली इसमें हल्का सा डार्क रहेगा। लेकिन अगर आप टू कलर लेते हैं तो दो कलर को आप खुद से मिक्स कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक कलर यही रहने देता हूँ और एक कलर यहाँ से मैं रेड को चूज़ कर लेता हूँ। अब दोस्तों जो आपकी मिक्सिंग बनेगी कुछ इस तरह से सिंपल में जैसे दिखाया जा रहा है, ये मिक्सिंग आपको डिज़ाइन होगी। यहाँ से सेटिंग स्टाइल में जा करके आप अपने मिक्सिंग को चेंज कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये दोस्तों जो भी मिक्सिंग अगर अच्छी लग रही है उस मिक्सिंग पर क्लिक करके ओके करेंगे तो पेज आपका कुछ उसी तरह से डिज़ाइन हो जाता है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहां से आपको पेज कलर पे जाना है, देन फिर से फिल इफेक्ट में जाना है और ये आपके ग्रेडियंट्स के ऑप्शन है जिसमें टू कलर को आपने यूज किया। अब यहां से प्रीसेट में जाने के बाद प्रीसेट कलर्स की ऑप्शन से यहां पे आपको दिखाई देंगे। अब यहां पे बहुत सारे कलर्स ऐसे भी आपको दिखाई देंगे, जो कलर लेना है वो कलर को यहां से हम चूज करेंगे। जैसे ये लाइट सनलाइट सनसेट है, अब इसको सेलेक्ट करने के बाद अभी सनसेट का डिजाइन ऐसे रखना है या फिर ऐसे रखना है, जैसे भी डिजाइन रखना है यहां से आप चेंज कर सकते हैं कि आपको डिजाइन आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। तो जो भी डिज़ाइन आपको अच्छा लग रहा है उस पर क्लिक करके ओके करेंगे तो उसी डिज़ाइन में आपकी पेज की कलर यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी, यानी दिखने लगेगी। अब दोस्तों पेज की कलर कुछ इस प्रकार से आपको दिख रही है। फिर से अगर हम पेज कलर में जाते हैं, फिल इफेक्ट में जाते हैं और इन सारे ऑप्शंस को मैंने देख लिया ग्रेडियंट का। अब अगर टेक्स्ट पे जाते हैं तो कुछ स्टाइल्स के डिज़ाइन यहाँ पर आपको बने हुए नजर आएंगे। इसमें से जैसा भी डिज़ाइन आप चूज़ करके और ओके बटन पर क्लिक करेंगे वही डिज़ाइन आपके पेज का यहाँ पर बैकग्राउंड के लिए बन जाएगा। फिर से हम पेज कलर में जाते हैं, फिल इफेक्ट में जाते हैं और इस स्टाइल्स के डिज़ाइन को चेंज करके एक बार और ओके करते हैं तो ये डिज़ाइन मेरा जो है फिर से यहाँ पे चेंज हो जाएगा। फिर से दोस्तों पेज कलर पे जाते हैं, फिल इफेक्ट में जाते हैं और पैटर्न पे अगर क्लिक करते हैं तो ढेर सारे यहाँ पे कलर्स पैटर्न आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इस पैटर्न के कलर्स वगैरह भी आप चेंज करने चाहते हैं तो आसानी से यहाँ से कलर चेंज करके पैटर्न को चूज़ करते हैं और देन ओके करते हैं तो वही पैटर्न का टेक्स्ट आपको बैकग्राउंड में मिल जाएगा। अब दोस्तों फिर से पेज कलर में जाते हैं, फिल इफेक्ट में जाते हैं, पैटर्न में इतने सारे पैटर्न्स के डिज़ाइन है, आपको जो अच्छा लग रहा है वो पैटर्न आप क्लियर करें, उसके बाद कलर जो आपको अच्छे लग रहे हैं वो कलर्स यहाँ पे चूज़ करें और कलर्स चूज़ करने के बाद ओके बटन पे प्रेस करें, वही कलर्स के पैटर्न्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो दोस्तों ऐसे पैटर्न्स भी आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद पुनः फिल इफेक्ट में जाने के बाद आपको एक पिक्चर्स की ऑप्शन दिखाई देती है जिसमें आप बैकग्राउंड के लिए कोई फोटो लगा सकते हैं। आप पिक्चर में जाएंगे, यहाँ से सेलेक्ट पिक्चर में जाएंगे, उसके बाद दोस्तों आपको पिक्चर्स यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ से दोस्तों अभी ऑनलाइन भी पिक्चर्स अभी शो नहीं कर रहा है, हम यहाँ से दोस्तों हम ऑनलाइन पिक्चर्स को भी ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए जब मैं यहाँ पे पिक लिख लेता हूँ तो ये पिक्चर्स कुछ मुझे मिल जाएंगे। हम जैसे ये पिक्चर्स लाना चाहते हैं तो इस पिक्चर्स को हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, सेव एज इमेज, और JPG फाइल में हम इसे डेस्कटॉप पर डाउनलोड कर लेते हैं।